हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड की और साथ ही में वायबिलिटी गैप फंडिंग की। हाल ही में न्यूज़ की आई कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 5,559 करोड़ रुपए का वायबिलिटी गैप फंडिंग दी है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड के लिए। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड क्या है, उससे पहले समझ लेते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है। दोस्तों, हमारे देश में, भारत की मैं बात करूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज़ की है? फाइनेंस की। फाइनेंस ढंग से नहीं मिल पाता, अच्छे से नहीं मिल पाता, फंड्स नहीं मिल पाते, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं लेकिन उनमें जो है पैसा नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं लेकिन उनमें हर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता। इन प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने वायबिलिटी गैप फंडिंग डिज़ाइन की है। वायबिलिटी गैप फाइनेंस का मतलब क्या है कि उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना जो कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, जिनको बनाना ज़रूरी है वहाँ पे, लेकिन फाइनेंस उसका ढंग से नहीं मिल पा रहा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड की मैं बात करूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका जो रिटर्न आएगा, इसके जो बेनिफिट्स होंगे पैसे के मामले में, जो पैसा लगा रहा है उसको जल्दी नहीं मिले, लॉन्ग टर्म में मिले, लेकिन ये बनाना ज़रूरी है। तो फाइनेंस जिसको नहीं मिल पाता अच्छे से, हालांकि इकोनॉमिकली बहुत वो ज़रूरी है, उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा पैसा दिया जाता है। अगर मैं थोड़ी बहुत और डिटेल में जाऊँ, जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, तो मैं बताऊँ, ये स्कीम जो थी वायबिलिटी गैप फंडिंग वाली, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और हर साल बजट में जो है ये देखा जाता है इसका कितना पैसा इसके अंदर होगा। ग्रांट मिलती है इसके अंदर, खास करके पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर मिलती है, और मैंने बता दिया किन प्रोजेक्ट्स के लिए मिलती है, जिनमें रिवेन्यू काफ़ी लॉन्ग टर्म में होता है। 2004 में स्कीम आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एडमिनिस्टर करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक ग्रिड, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इतना पैसा दिया नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड को, 60% की फंडिंग दी है, अप्रूव किए, जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा उसका 60% पैसा वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए आएगा। ये दूसरी बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट गैस पाइपलाइन को फंडिंग दी है। ये फंडिंग क्यों दी है? देखो, ये जो गैस ग्रिड है ना, बेसिकली मैंने आपको आज की वीडियो में भी बताया था कि जब स्टेट एनर्जी इंडेक्स मैंने बताई थी अभी आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का एम है कि दो अभी नेचुरल गैस का जो शेयर है कंट्री की एनर्जी में वो 6% है, 2030 तक वो 15% करना चाहती है। इस वजह से ये जब नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड बना लेगी तो नेचुरल गैस की सप्लाई आसानी से बढ़ जाएगी। 2016 में गवर्नमेंट ने पहले भी जगदीशपुर हल्दिया बोईकारो धमरा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए, जो कि 2655 किलोमीटर का था, 40% तक का पैसा दिया था, ठीक है। इसको गेल जो है एग्जीक्यूट कर रहा है। अब देखो, गेल की मैं बात करूँ तो गेल और भी काम कर रहा है, जैसे बरूनी टू गुवाहाटी भी एक लाइन बना रहा है 750 किलोमीटर की, जो कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के द्वारा नाम से जानी जाती है। अब ये याद रखना, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट बरौनी टू गुवाहाटी है ना, बेसिकली ये 750 किलोमीटर की लाइन बना रहे हैं। ये प्रपोज किया गया है। अब ये JHBDPL क्या है? देखो, ये जगदीशपुर हल्दिया बोकारो दमरा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत बुरानी टू गुवाहाटी भी बनाई जा रही है ना। अब बेसिकली मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड की, तो ये 1656 किलोमीटर की अलग से बनाई जा रही है, जो कि असम के गुवाहाटी को कई मेजर सिटीज से कनेक्ट करेगी और कई जो रीजन्स हैं उनसे कनेक्ट करेगी नॉर्थ ईस्ट में। 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जिनमें ये डेवलप की जाएगी ग्रिड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अच्छा, ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी? देखो, ये की जाएगी इंद्रधनुष गैस ग्रिड के द्वारा, इंद्रधनुष गैस ग्रिड। अब मैं बोलूँ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो कर रहा है गेल, और मैं बोलूँ नॉर्थ ईस्ट पाइपलाइन ग्रिड को कौन कर रहा है, इसके अंदर ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये कर रहा है, और इंद्रधनुष गैस ग्रिड वाला ये नॉर्थ ईस्ट पाइपलाइन को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड 1656 किलोमीटर वाली, जो कि 8 स्टेट्स में फैली हुई है, 8 स्टेट्स में डेवलप की जाएगी, इसको इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड इंप्लीमेंट करेगी। अब ये इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड जॉइंट वेंचर है गेल का भी, इंडियन ऑयल स्कोप्स का भी, और नेचुरल गैस स्कोप्स और ऑल इंडिया लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड,
बेसिकली इसके अंदर जो हमारी हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल उसको बढ़ाने की बात की जा रही है और क्लीन फूल हमको आसानी से मिलेगा। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इसके। बेनिफिट तो ये, एक तो हमको जो है पाइप्ड कुकिंग गैस की सप्लाई ढंग से हो जाएगी घरों में, सीएनजी अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाएगी ऑटोमोबाइल्स में, फ्यूल तो मिलता ही है इंडस्ट्री के लिए, तो एक तो पाइप्ड कुकिंग गैस मिल जाएगी, सीएनजी मिल जाएगी और नेचुरल गैस सप्लाई अच्छी तरीके से अनइंटरप्टेड यानी बिल्कुल कंटिन्यूसली सप्लाई होती रहेगी, रिलायबिलिटी बनी रहेगी कंज्यूमर्स को ढंग से सप्लाई होता रहेगा। और मान लो अगर कुछ ही कारण की वजह से अगर सप्लाई रुक जाती है किसी भी देश में किसी भी जगह, तो नए इस गैस पाइपलाइन ग्रिड से हम सप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है इन वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई एलपीजी की और वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स की होनी ज़रूरी है। इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नहीं होता और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है क्योंकि नेचुरल गैस है ना, और लाइफ भी बेटर होएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पैसा भी कमाएंगे। क्लीनर और ग्रीन फ्यूल की ज़रूरत हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा है और बेसिकली रीजन में और भी इससे अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है कि हम गैस का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन मतलब उनसे पैसा कमा सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। देखते हैं किस तरीके से अब इंस्टॉल कर सकते हैं और भी प्लांट्स ताकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम से कम हो, मतलब नेचुरल गैस जो निकाली जाए उसको वहीं से ही प्रोसेस कर दिया जाए, ट्रांसपोर्ट करके किसी और जगह लेके जाने में दिक्कत आती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हो सकता है जो बॉटलिंग प्लांट्स है वो वहीं पर लगा दे, तो ये भी इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, हाल ही में एक और करंट अफेयर आया था, देखो न्यूज़ में मैं आपको किस तरीके से बताता हूँ वीडियो में, कि जब भी जैसे नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अगर करंट अफेयर आया था तो एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साथ में बता देता हूँ। जैसे आज की वीडियो में स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में मैंने आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बताया था, इससे आपके जो करंट अफेयर है अच्छे से कवर हो जाते हैं। ये करंट अफेयर क्या है कि नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने बताया है, इन्फॉर्म किया है कि हमने इस स्कीम के जरिए, इस प्रोजेक्ट के जरिए 300,000 हाउस होल्ड्स को हेल्प किए। 300,000 हाउस होल्ड्स मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की 11 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। अब ये नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट 2012 में लॉन्च हुआ था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडेड है, ये वर्ल्ड बैंक का भी थोड़ा बहुत सहयोग इसमें मिलता है, मल्टी स्टेट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, 4 स्टेट्स के साथ मिलकर काम हो रहा है, इस वजह से मल्टी स्टेट, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मैं वापस रिपीट कर दूं, 2012 वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, मल्टी स्टेट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है। ये याद रखना है आपको कि मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम की 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली वुमेन की और जो बेरोजगार यूथ है उनकी ज़िंदगी को बदलने के लिए और जो मोस्ट डिसएडवांटेजेस लोग हैं, डिसएडवांटेज उनकी भी मदद करने के लिए किया गया। मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, 4 नॉर्दर्न स्टेट्स में ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। स्ट्रेटजी क्या है, ये 5 डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज पे फोकस करता है, सोशल इंपावरमेंट, इकोनॉमिक इंपावरमेंट, पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लाइवलीहुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इन पे फोकस करता है। प्रीलिम्स में आपसे ये नहीं पूछेंगे लेकिन मेंस में जो है आपको इसकी स्ट्रेटजी याद रहनी चाहिए। प्रीलिम्स में आपको पूछेंगे कब लॉन्च हुआ, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है और किसकी जो है एड इसमें मिली हुई है और कौन कौन सी स्टेट्स में ये काम कर रहा है। तो स्टेट्स में आपको पता रहना चाहिए, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।